दो भैया का चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक। संजय भाई कहाँ चल दिए? गियर कैसे पड़ेंगे इसमें गियर? अच्छा इसको इस किस कारण से ये पूरा तार टूट गया था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप सो मजे में होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहने का भी है। तो आज का व्लॉग जो शुरुआत हो रहा है वो इस खूबसूरत सी वादियों से फिर से आप लोगों के साथ। तो आज का जो हमारा प्लान बन रहा है वो बन रहा है एक प्यारे से गांव में, और वहाँ की खूबसूरती है वो आप लोगों को दिखाने का आज हमने सोचा है। तो जल्दी से होते हैं रेडी, और क्योंकि लेट बहुत हो चुका है। सुबह से प्लान बन रहा था, फिर कैंसिल हो रहा था, बन रहा था कैंसिल हो रहा, बट फाइनली 11:30 बज चुका है और अब जाके प्लान बना है। फटाफट तैयार हुए और भैया को भी फटाफट पिक करते हैं, और जो हमारे आज के जो गाइड हैं उनसे भी फटाफट मिलते हैं। तो जल्दी से होते हैं रेडी। तो मौसम देखते हैं साथ देता है कि नहीं, बट ख़राब तो हो ही रखा है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलते हैं, और आज इस खूबसूरत की जगह आप जो देखेंगे ना भाई, आप लोग भी बोलेंगे ये जगह है जो है अल्टीमेट। गुड मॉर्निंग गोकू, सारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो उसकी एक ख़ास बात देखो गाई, तो यह जो टायर है ना ये हो गया है लगभग ऑलमोस्ट एंड की तरफ। मैं सोच रहा हूँ इस बार इसको पूरा जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको चलाऊँगा, और वैसे भी ज़्यादा रनिंग तो है नहीं मेरी, अभी कमी है। तो देखते हैं कब तक चलता है। तो हमारी जो लालिमा है वो है खड़ी, और कॉल पे कॉल आने पे लगे हुए हैं। तो चलते हैं जल्दी से यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इन गलियों का मज़ा ही कुछ और है यार, इन गलियों में जो मज़ा आता है ना गाड़ी चलाने में वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि कभी भी कहीं से भी गाड़ियाँ आ सकती है इसीलिए। तो जिसको ओ ये देखिए गाय माता जी, हट जाइए, रास्ता खाली करें, रास्ता खाली करें, मैं जा रहा हूँ अभी घूमने तो डिस्टर्ब नहीं। तो यहाँ ये वाली बाइक थोड़ा सा मेरे को हमेशा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि अपोजिट साइड पर खड़ी रहती है और इस साइड से एकदम चैम्बर है, तो वो लगने का टेंशन होता है। भैया का कॉल तब से आ रहा है, जल्दी जल्दी भैया को पिक करते हैं। भैया जी को रिसीव करने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच चुके हैं चमोली पे। तो मैंने सोचा बीच में आप लोगों को बार बार गोपेश्वर की उन बोरिंग रोडों को दिखा के आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक स्पेशल लेक पे, कि जो कि बहुत ही फेमस लेक है और बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता है। मैंने अभी देख रहा था तो बहुत लोगों ने अभी सुना ही नहीं है उसका नाम। बहुत लोगों से मैंने उसके बारे में पहले हिस्ट्री दे जाननी चाहिए, सर्च किया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। बट हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि क्या है उस जगह के बारे में और क्या है वहाँ की हिस्ट्री, लेकिन जितना सुनने में आया ना बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है और बहुत ही मज़ेदार। तो वो जगह है दुर्मी लेक, मतलब जिसे दुर्मी ताल भी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों का पहले रास्ते के बारे में बता दूँ कि रास्ता कहाँ से है। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं चमोली में, तो चमोली से हमें रूट पकड़ना है जोशीमठ बद्रीनाथ वाला, और देन उसके बाद की बात मैं बताता हूँ। पहले मैं मार्केट में पहुँच जाता हूँ, थोड़ा बहुत सामान देना है अपने एक दोस्त का, तो उस सामान को हम लोग पहले ड्रॉप आउट करते हैं। तो दोस्तों देखो ठीक सामने आप लोग देख सकते हो, ये हमारा खूबसूरत सा शहर गोपेश्वर, और ये रूट देखो यार क्या प्यारा सा एकदम मस्त सा बन चुका है, और इतनी चौड़ी चौड़ी रोड। बट अब हमारे जो भाई राइडर हैं वो चेंज हो गए हैं, तो अब चलाएंगे प्रकाश भैया काफ़ी टाइम बाद। अच्छा नहीं चला है, कब से नहीं चला रहा? तो भाई जी का आज का अपना पुराना जवानी वाला शौक वापस आने वाला है। तो भैया आप तो हो ही गए हो, आप समझ सकते हो मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये चीज़ हिडन, ये चीज़ भाई एकदम सीक्रेट है कि क्यों मैंने ये लाइन बोली है। बट अब चलाएंगे भैया, तो हेलमेट अब भैया के सर पे जाया जाएगा। गियर कैसे पड़ेंगे इसमें? गियर आगे और सब पीछे पीछे। मैंने बताते नहीं, मैंने कभी चलाई नहीं यार। कोई नहीं भैया, सीधा हो गया। अजीब सा हो रहा है इसमें उबड़ खबड़, चल मैं चला ही देता हूँ, चलो डर के आगे क्या है। वाह मजा आ गया, मजा मजा भाई जी, मजा तो अभी आएगा जब है कि ना सीधी रोड दिखेगी। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको इस बाइक को चला के? ये 7-8 साल बाद आज एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे भी वही चलाई थी पल्सर 180 ज़्यादातर, और 220। इसमें थोड़ा सा अलग से एक्सपीरियंस है, और इसमें जो पॉइंचर है थोड़ा अलग है ना। अलग है हाँ। तो
पावर फील हो रही है? पावर तो फील हो रही है। आज बता उड़ता बाज बनने वाले? उड़ता बाज बन गए हम, अब हम बनेंगे उड़ता हेलीकॉप्टर। अगर आपको डर ना लगे तो? नहीं नहीं डर तो नहीं लगेगा भैया। तो अब बनते हैं हम सीधा हेलीकॉप्टर। तो अमित दसने की डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं अभी तो ठीक है। डर की 80 के बाद लगेगा डर? हैं? तो हम पहुंच चुके हैं बिरई और यहाँ से हम निकल गए दुर्मिताल के लिए और एक रूट निकल गया यहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए लेफ्ट साइड, जो कि नेशनल हाईवे है और यह है हमारी गांव की रोड, मेरा गांव कुबा टू। अचानक से हम लोगों ने ले रखा है एक छोटा सा ब्रेक, तो यहाँ पे हमें मिला है सुधांशु भाई राइट नाम ना, और हमारे मुंशी जी संजू भाई। तो संजू भाई की व्यवस्था रखी है हमें मच्छी पकौड़े की, और अभी हम लोग ये और मोमोज भी है, तो रास्ते के लिए हमने मोमोज रखवा दिया है और कोल्ड ड्रिंक वोडिंग पूरी व्यवस्था। प्रकाश भाई कैसे हो रहे हैं? आगे देख लो। तो भाई आप लोग आए और संजू भाई से कॉन्टेक्ट करे, तो संजू भाई सारी व्यवस्था है, चाहे चिकन मोमोज मटन मोमोज और मच्छी पकौड़े, तो भाई बहुत ही फेमस। तो अभी ठेकेदार जी से कॉन्टेक्ट करे, तो अभी हम लोग हैं, अभी हम हैं बिरई और अलकनंदा के संगम के पास में, है कि नहीं? तो पहले मस्ती करके खा पी लेते हैं। बिरई से हमारे दो नए पार्टनर मिल चुके हैं, मैं सुधांशु भाई और संजू भाई। तो सुधांशु भाई की है 220 यार, बहुत 2009 का मॉडल है, भाई ने बहुत प्यारी मॉडिफाइड कर रखी है। इस पे लगा रखा है ड्यूक 390 का साइलेंसर और उसका डीबी किलर भी हटाया हुआ है, तो सही मॉडिफिकेशन किया हुआ है और अच्छा भी लग रहा है। और ये हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप लिया था संजू भाई के घर के पास में, तो उन्होंने सारी व्यवस्था की थी यार, क्या मस्त मच्छी पकौड़े बनाए हुए थे और मोमोज भी रखे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स। तो कुछ हमने मच्छी पकौड़े ऊपर के लिए रख दिया है ताल के लिए, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ताल के बारे में, तो देखते हैं वहीं जाके हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि जो वो लेक है वो कह रहे हैं कि बहुत पहले ही ब्रेक हो गई है। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हो इतने अब फील्स वाले पहाड़ हैं कि क्या बताऊँ। और ये राइट साइड पे भी देखिए भाई, मतलब पहाड़ों पे ही रोड बनी हुई है और फुल्ली डेंजरस वाला फील आ रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो लोकेशन और ज़्यादा प्यारी होती जा रही है, मतलब इतने नैरो हिलों के बीच में जो रिवर है ना, बिरही रिवर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारे व्यूज दिख रहे हैं। बट 90s में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसका रीज़न हम आप लोगों को दुर्मी लेक के पास में जाके ही बताएंगे कि क्या रीज़न है वो। बट बहुत ही ज़्यादा टेरिटरी वाला फील था 90s में, तो हम किसी से पूछेंगे उस वाक्य को भी कि क्या हुआ था 90s में ऐसा कि ये इतना फेमस लेक बन गया था उस समय, और देन उसके बाद ये पूरा लेक डिस्ट्रॉय हो गया था। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ब्यारा गाँव में, तो पूरी घाटी में 10+ गांव हैं, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है गाड़ी गांव, देन ब्यारा, और धीरे धीरे आगे सैंजी हो गया है, पगना हो गया है, और जिसका लास्ट गांव है वो है ईरानी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं निजमुला गांव में, तो ये है इस एरिया का 14 गांव, और सारे गांव रोड पे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे, देखिए पुराने डिज़ाइन वाले घर भी दिख रहे हैं यहाँ पे और ये नए घर वाले, तो दोनों का मिक्सचर बहुत ही अमेजिंग है। और ये है मेन गेट, पुराने टाइप वाला गेट, बहुत ही सही है यार। देखते हैं अभी कुछ लेने का सोच रहे हैं, तो लेते हैं पहले कुछ खाने पीने के लिए। दोस्तों ये देखिए संजू भाई अभी चला रहे हैं गांव वाली स्टाइल वाले फोर व्हीलर। तो संजू भाई कहाँ चल रही है? चलो बढ़िया। क्या नाम है आपका? लक्की बिश। तो कैसे बनाया आपने ये वाली गाड़ी? तार से। अच्छा, तो मतलब इसमें ये तार लगा हुआ है और ये वायर। अच्छा, तो कब बनाई आपने ये? बहुत पुरानी है मतलब। इसी में जाते हो आप गोपेश्वर? इसी में जाते हो गोपेश्वर? अच्छा मजे के लिए है, चलिए मजे करो आप लोग। ठीक है, बाय बाय, आते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो निजमुला घाटी में हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, तो बच्चों के साथ जो मस्ती की ना भाई, बड़ी मस्त पुरानी गांव वाली स्टाइल में जो मजे, पुरानी यादें ताजा हो गई यार, क्योंकि
जो ये वाली गाड़ी थी ना वो आज के टाइम पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली। आज के टाइम पे आपको ये वाली गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। और इसका जो फन है और उसका जो फन है, ज़मीन आसमान का अंतर है भाई, ज़मीन आसमान का। तो छोटा बच्चा बोलता भैया हमारे गांव वाली KTM आ रही है तो मैं लेके आता हूँ। तो पुराने टाइम पे एकदम टायर वायर से बना था, सिंगल टायर से गोल गोल, तो वो लेके आया। तो वो भी बहुत अल्टीमेट थी, मतलब दो टॉय जो हमने देखे भाई बहुत ही अल्टीमेट। तो मैंने जिस हिसाब से सोचा था इस जगह को ना भाई, और ज़्यादा अल्टीमेट होते जा रही है धीरे धीरे। और जो फोर व्हीलर देखी आप लोगों ने कैसी लगी वो फोर व्हीलर कमेंट में बताया, और किस किस ने चलाई अपने टाइम पे वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि यार भाई कि मैंने चलाई ये वाली गाड़ी और इसके मजे मैंने भी लिए हैं। फाइनली गाइस जिस लोकेशन का इंतज़ार मैं कर रहा था ना उस पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये है जस्ट मेरे पीछे दुर्मिताल, और मेरे साथ के सारे भाई लोग अभी मच्छी पकौड़ों के मज़े ले रहे हैं। तो मैं पहले आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये है लोकेशन, देखिए गाइस, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक ये ताल था, और इसका पोर्शन यहाँ से शुरू था, और ये देखिएगा ये यहाँ तक मतलब पूरा ताल बना हुआ था। और इसकी कहानी ये ऐसी कि 1983 में यहाँ पे जो ये पहाड़ दिख रहा है आपको ये ब्रेक हुआ था, तो जिस कारण से ये पूरा ताल टूट गया था और उसकी वजह से बहुत भारी तबाही हुई थी इस गांव में। ये लेक पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी और देन उसके बाद ये पूरी लेक ख़त्म हो चुकी थी। बट गवर्नमेंट ने इस जगह को अभी दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो सोचो भाई जब ये ताल बनेगा ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मैं इस व्यू को देख रहा हूँ ना, आज जब ये ताल बन जाएगा तो बहुत ही अल्टीमेट बनेगा। तो अभी पहले हम लोग मजे लेते हैं मच्छी पकौड़ों के, देन इसके बारे में और जानकारी मैं यहाँ के लोकल लोगों से लेने का ट्राई करता हूँ। आज की डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं दुर्मी। तो देखिए आप पीछे देख सकते हो, और जो इंटर कॉलेज यहाँ पर है, तो अभी बच्चा पार्टी हमारी यहाँ पर गेम खेल रही है, तो थोड़ा बहुत हम उनको उनके गेम्स के बारे में बताते हैं। तो ये देखिए हमारे प्रकाश भैया, संजू भाई, सुधांशु भाई, और इस गेम को क्या बोलते हैं? पूरी। पूरी। तो हमारे छोटे भाई बताएं क्या क्या से खेलते हैं इसके? इसको इससे मारते हैं। अच्छा, इसको इस फिर इसको वहीं से मारते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? ऋतिक। पूरा नाम? ऋतिक रोशन। तो देख सकते हो भाई छोटे बच्चे लोग पूरा मजे ले रहे हैं गांव के, और इसको बोलते हैं पूड़ी। तो इसमें ये होता है कि जो बॉल होती है उससे पत्थरों पे हिट किया जाता है, देन उन पत्थरों पे जब गिरता है तो उसके बाद उनको जोड़ने का काम होता है। तो इससे ही पूरा प्रॉपर गेम होता है। दोस्तों ये देखिए, ये है वो लेक जो आज के टाइम पे सूख गई है, बट जल्द ही इस लेक को जो हम दोबारा देखेंगे बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ, और तब भी मैं आऊँगा इस जगह पे। तो इस पोर्शन से है ये पूरा। तो आप ठीक सामने देख सकते हो, ये बना है अंग्रेज़ों के ज़माने का गेस्ट हाउस, और बहुत ही अल्टीमेट है। तो सुधांशु भाई बताएंगे हमको यहाँ के बारे में आप? बहुत ही गजब सीनरी है अभी। अच्छा, दुर्मिताल हुआ करता था यहाँ से। अच्छा, वो सामने रह गया आपका यहाँ पे गेट था, यहाँ पे प्राकृतिक ताल था, किसी ने बनाया नहीं था इस ताल को। पूरा बताता है कि पूरा ताल जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे पूरा पानी आता है यहाँ पे। अच्छा, चलो बढ़। फूटा तो यहाँ का प्रभाव मान के चलो श्रीनगर को इसने अपने साथ आपदाग्रस्त कर देता है इसने। चलो, और ये आपको दिख रहा है यहाँ से भी आगे तक ताल था पूरा बड़ा। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा ताल था अपने जमाने का। अभी हमारे साथ है दुर्मी गांव की बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा आपको ड्रोन? अच्छा अच्छा, मजा आया देख के? हाँ। तो ये वीडियो कहाँ आएगी? यूट्यूब पर। तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। तो सबको बोल दो भैया का चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी जरूर कर देना। हाँ, और कमेंट भी है ना। तो चले हम यहाँ से। कैसा लगा हमसे मिलके? अच्छा अच्छा, तो मिलते हैं आपसे एक और बार, ठीक है? जल्दी आऊंगा मैं यहाँ दोबारा। तो बाय बाय कर दो सबको पहले। बाय। निकलते हैं हम दुर्मी गांव से, और बहुत ही सही जगह है यार, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, और बहुत मस्त सी लोकेशन लगी मुझे। और जो बच्चा पार्टी दिखी ना भाई, पूरा गांव वाला फील आज दोबारा से, अपनी जो बचपन की यादें हैं वो सारी ताज़ा हो गई है। अभी हम लोग कर रहे हैं रिटर्न, एक दो लोकेशन और देख रहे हैं हम लोग। अरे भाई जी, चलो 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 चलो
तो भाई जी पूरे आज अपने जवानी के पूरे मजे ले रहे हैं। तो समझ सकते हो भाई जी के हाथ में 220 हाथ गलत ही पकड़ा दिए। तो भाई जी पूरे रेस के मूड में आ रखे हैं और जिस हिसाब से रोड है ना भाई, तो पूरा मजा आ रहा है रेस करने का। और ये सब बस इंजॉय के लिए करना है भाई, कोई रेस वेस नहीं चलेगी, थोड़ा सा ऐसे मजे के लिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, तो ये सब ओनली फन के लिए यार भाई, ये इसको सीरियस ना ले। ये प्रकाश भाई हमारी सबकी मस्ती चल रही है। संजू भाई कैसा लग रहा है? संजू भाई आ रहा हूँ मजा। तो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूं मैं कमरे पे। तो हम लोग ग्रह में रुके हुए थे बट इतना थक गए थे कि ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। तो जो ये लेक है ना भाई, मैं आप लोग को दोबारा बताता हूँ कि ये लेक बहुत ही अल्टीमेट है, आज के टाइम की नहीं है, ये हमसे 90s के टाइम की लेक थी। तो कुछ नेचर रीजन की वजह से ये भाई एकदम खत्म हो गई है, बट दोबारा से ये लेक बनने वाली है। जिस हिसाब से मैंने इस जगह को देखा, इन फ्यूचर ये वैसी बन गई तो बहुत ही एक्सप्लोरिव जगह बनेगी। तो एक बार आप लोग ऐसे भी विजिट कीजिए। तो जो चीज़ खूबसूरत होती है ना, उससे पहले जैसी दिखती है ना, तो वो चीज़ आप इस जगह को जाके देख सकते हो। तो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी बनाती तो ये लोकेशन बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है भाई। तो दुर्मी लेक आप लोग एक बार जरूर विजिट करें इस जगह पे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस जगह पे आप लोग इजीली जा सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। गोपेश्वर दा भी बंदा जिवे आके आया आके, बिना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नी लगदी है, तू लगे प्यारी।